कॉलेज ऑफिस के सामने, रोड के ऊपर, पार्क में या समुंदर के किनारे, जहाँ भी जाए इस जलते हुए मकई आपको जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज ये जो कर्न है, मैंने इस कर्न का दो रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू छंदस किचन एंड ब्लॉग। तो चलिए फ्रेंड्स, इस जो कर्न है इसका हम छिलका निकाल लेंगे। ये तो कच्चा वाला कर्न है, इसका हम कैसे दो स्नैक्स टाइप का रेसिपी बनाएंगे, तो आप लोग फ्रेंड्स मेरे साथ देखते रहिए और बने रहिए। पहले इसका हम छिलका निकाल लेंगे। बहुत आसानी से इसका छिलका निकाल लेते हैं। बहुत सारे छिलका होता है एक एक कर्न में। तो देखिए, छिलका तो निकल लिया है, इसके अंदर देखिए बाल जैसा है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। मुझे देने से बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसे भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दो ठो कर्न लिया है। आप लोग चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपके घर में जितने लोग हैं उसी हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे से इसे साफ़ कर लेना है, बस धोना वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अच्छे से इसे साफ़ कर लेना है। तो देख सकते हैं ये जो बहुत इसमें दाना कम है, कहीं कहीं बीच बीच में नहीं है, तो जैसे मिलता है वैसे ले आना पड़ता है। तो ये जो बाल जैसा है ये बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है मुझे, इसलिए मैं बार बार दिखा रही हूँ। अब चलिए, ये जो दूसरे कर्न है इसे भी हम छिलका निकाल के इसे भी अच्छे से सब कर लेंगे। तो ऐसे भी बाज़ार से तो आप लोग आसानी से किन के खाते हैं, लेकिन घर में जो बना के खाने का बिल्कुल बात ही कुछ अलग है। इसमें थोड़ा सा गैप कम है, यानी सीड्स बहुत ज़्यादा ही है। तो ऊपर में देख रहा है ये कुछ काम का चीज़ नहीं है। पहले इसका जो बाल जैसा है इसे भी हम इस तरह से निकाल लेंगे, बहुत अच्छे से साफ कर लेंगे। तो ये जो कुछ काम का नहीं है इसे हम तोड़ के बाद दे देंगे। तो चलिए, आप इसे अच्छे से साफ कर लेना है, नहीं तो जब इसे और भी चीज़ लगा के इसे फ्राई करना है तब ये बहुत गड़बड़ करेगा। तो इसे जो है, ये जो मैं अच्छे से छिलका निकाल लिया है, आप इसे छिलका के ऊपर हमने रख दिया है ताकि इसमें दो चीज़ और लगाना है। तो चलिए, इसमें और पहला चीज़ है जो हम लेंगे वो है सरसों का तेल। तो सरसों का तेल मैंने लिया है, आप लोग चाहे तो सादा तेल भी ले सकते हैं। सरसों का तेल से लगाने से इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फुल वॉच करिए और लास्ट तक देखते रहिए, तब आप लोग को पता चलेगा, क्योंकि आज जो कर्न है इसका हम दो रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो देखिए, जो कर्न है इसके ऊपर हम इस तरह से जो सरसों का तेल है ये लगा लिए है। अब हम ले लिए हैं नॉर्मल नमक, इसे भी हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत आसान सी काम है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। इस तरह से दो मकई के ऊपर हम लगा लिए हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, ये जो गैस पे गैस लगा जला दिया है मैंने, गैस के ऊपर हम इसे लो फ्लेम में इसे इस तरह से सेंक लेंगे। तो आप लोग सोच रहे हैं मैंने गैस को हाई कर दिया है, बट नहीं, मैंने हाई नहीं किया है। आप लोग को तो पता है ना, जो आग के ऊपर कोई तेल या घी डालते हैं तब वो आग बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो वही बात हुआ है, मैं जब मकई के ऊपर तेल लगा हुआ है और नमक, तो तेल जो है वो गैस के ऊपर जलने, आग के ऊपर रखने से ही ये जो आग है बहुत ज़्यादा फैल गया है। लग रहा है बहुत मैंने हाई कर दिया है, मैं ऐसे मैंने कुछ भी नहीं किया है। और ये जो कर्न है इसका मैंने डांडी इसलिए रखा है तो इसको पकड़ के हम अच्छे से सेक सकें। तो देखिए कितना आसानी से सेक गया है, बहुत आसानी से। ज़्यादा हाई करने से क्या होगा, वो जो कर्न के ऊपर जल जाएगा और अंदर अच्छे से नहीं पकेगा, इसका कड़क भी हो जाता है। तो आप लोग के घर में चूल्हा वगैरह है तो लकड़ी का जो कैला होता है उसको जला के भी धीरे से सेकने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इस तरह से गैस के ऊपर भी सेकने से गैस के जो आग होता है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग भी जरूर एक बार इस तरह से करना। तो दो जो कर्न है इसे मैंने अच्छे से सेक लिया है। अब इसके थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लेमन लिया है, तो लेमन को हमने अच्छे से काट लिया है। अब इसका लेमन का जूस इसके ऊपर हम लगा लेंगे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए। तो पहले से भी आप जूस निकल के रख सकते हैं और जूस को भी चम्मच से इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से इस तरह से लगा रही हूँ। आपको जो इजी लगे उसी प्रोसेस में आप लगाना लेमन का जूस को।
तो देखिए कितना आसानी से लगा रही हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा इसे कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जो लेमन का जूस है देने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है एक कर्न के ऊपर, बहुत ही टेस्टी होता है। तो अभी तो बारिश का मौसम है, आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे, तो घर में किन के आके रखिए और घर में आसानी से इस तरह से बना के खाइए और एंजॉय करिए। तो देख सकते हैं इसके ऊपर भी हम आसानी से लेमन का जूस लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर और एक चीज़ हम लगाएंगे, वो मैंने यहाँ पे ले लिया है भुने हुए जीरा। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा लगा लेंगे भुने हुए जीरा। तो देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से लगाएंगे, भुने हुए जीरा का टेस्ट भी तो बहुत अच्छा है। और इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। तो दूसरे को भी इस तरह से हम भुने हुए जीरा से लगा लिए हैं। अब ये जो चाट मसाला है, चाट मसाला को इसके ऊपर लगा लेंगे। तो सोचिए इसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। और हो सके तो आप लाल मिर्च पाउडर जो होता है, भुनी हुई लाल मिर्च पाउडर, उसको भी आप थोड़ा सा दे सकते हैं। जो लोग खाना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो सारे जो चीज़ है मैंने अच्छी से लगा लिया है, अब इसे हम सर्व कर देते हैं। तो मेरे बेटी को मैंने दे दिया है और मेरे लिए एक रख दिया है। तो चलिए इसे हम खा के एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी हम लोग को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके बताना। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में, तो नेक्स्ट जो हम बनाने वाले हैं, ये जो कर्न है उसका मैंने पक्का हुआ सीड लिया है। तो फ्रेंड्स, आज के रेसिपी में थोड़ा सा बाहर से आवाज़ आएगा, क्योंकि बाहर में बहुत काम हो रहा है दूसरे घर में, तो थोड़ा सा आवाज़ आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो मकई का मैंने सीड लिया है, इसे भी हम कैसे बनाएंगे वो आप लोग देखते रहिए। तो मैंने जो इतना ही लिया है, आज हम इससे ना पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं होगा। तो आप लोग देखते रहिए फुल वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और इसमें हम तेल डाल देंगे हाफ चम्मच से भी कम। देखिए, आप जब कढ़ाई में डालेंगे आप लोग को पता चलेगा, बहुत ही कम तेल डाला है। और ये जो मकई का सीड्स लिया है, यहाँ पे मैंने इतना सा ही लिया है। आप लोग को लग रहा है कि इतना सा ही क्या होगा, लेकिन इतने में ही बहुत सारे पॉपकॉर्न बन के रेडी होगा। तो चलिए, तेल गर्म हो जाने के बाद ही ये जो पॉपकॉर्न का सीड है उसे डाल देना है। तो 2-3 मिनट इस तरह से चलाना है, बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम में, ज़्यादा गैस को फास्ट मतलब पहले से हाई नहीं करना है, नहीं तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं। तो इस तरह से 1-2 मिनट चलाना है बहुत अच्छी से। आप जब ये खुद अपने आप ही फूटने लगेगा, जब ये फूटने लगेगा तब आप क्या करना है वो भी देखते रहिए। तो इस तरह से पहले चलाते रहना है बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम में, कभी कभी मीडियम करना, नहीं तो लो फ्लेम से करेंगे तो और भी अच्छा ही होगा, बहुत ज़्यादा ही फूलेगा। और मैं जितना लिया है उसे आधा आधा करके फ्राई करूँगी, नहीं तो एक साथ में ज़्यादा दे देंगे तो ये ज़्यादा फूलेगा नहीं, बहुत ही छोटा छोटा हो जाएगा। तो देख सकते हैं, अब गैस को मैं एक बार मीडियम कर रही हूँ, एक बार हल्का लो कर रही हूँ। तो इस तरह से चलाना है बिल्कुल, देख सकते हैं। अब देखना ये फूटना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो देखिए, एक फूटना शुरू हो गया है। तो देख सकते हैं धीरे धीरे ये फूटना शुरू हो गया है। इस टाइम इसमें क्या करना है, एक ढक्कन दे देना है, नहीं तो सारे जो पॉपकॉर्न होगा ना वो सब बाहर छिटक जाएगा, एक भी कढ़ाई में नहीं रहेगा। तो पटाखा फूटना जैसा शुरू हो गया है, चलिए अब इसमें हम ढक्कन दे देते हैं। अंदर से बिल्कुल पटाखा फूट रहा है, आप लोग को क्या बताऊँ मैं। तो चलिए, ये जब फूटना बंद हो जाए तब इस ढक्कन को खोल देना है। तो ढक्कन को मैंने हटा दिया है, देख सकते हैं बिल्कुल पॉपकॉर्न एकदम रेडी है। बहुत देखिए, इतना सा मैंने सीड्स दिया है और इतना सारे पॉपकॉर्न बन के एकदम रेडी है। देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा जैसे फूला है। अब इसमें ज़्यादा दे देने से ये ज़्यादा नहीं फूटता है। देखिए, अब इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं और बाकी जो है उसे भी हम सेम प्रोसेस में फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, इसे इस तरह से हम एक प्लेट में रख देंगे। तो देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा हुआ है। तो चलिए, और जो बाकी है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इसमें भी सेम प्रोसेस में थोड़ा सा दे देंगे तेल, उसके बाद तेल गर्म हो जाए, उसके बाद हम डाल देंगे सीड्स का दाना। तो चलिए, आप इसे 1-2 मिनट इस तरह से चलाएंगे लो फ्लेम में। मैंने बताया लो से मीडियम फ्लेम भी आप चला सकते हैं, लेकिन गैस को बार बार लो करना पड़ेगा, मीडियम करना पड़ेगा।
तो एक इसलिए लो फ्लेम में एकदम करने से ही अच्छा होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस और कुछ नहीं। तो इस बारिश के मौसम में आप लोग इस जो कर्न का दो रेसिपी आराम से घर में बना के खा सकते हैं। और बारिश का बारिश जो होता है, बारिश का जो नज़ारा है उसे आप आराम से देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, सारे जो सीड्स है। अब इसे हम थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे, तो घर में खाएंगे तो इसलिए चटपटा सा। अब इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं, इस तरह से फ्राई करके या कंटेनर डिब्बा में आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब मन करे इसे निकालिए और खाइए। तो इसके ऊपर हम दे देते हैं थोड़ा सा चट मसाला 1 टीस्पून और दे देंगे भुने हुए जीरा पाउडर। आप तुरंत खा रहे हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन का जूस भी दे सकते हैं, लेकिन लेमन का जूस देने से थोड़ा सा गीला गीला टाइप का हो जाता है, इसलिए मैंने लेमन का जूस नहीं दिया है। तो आप लोग चाहे तो लेमन का जूस दे के भी खा सकते हैं। तो रेडी हो गया मेरा ये जो कर्न का दो स्नैक्स टाइप का रेसिपी। तो आप लोग इस बारिश के मौसम में इस तरह से घर में बनाइए और खाइए और एंजॉय करिए। आज का रेसिपी पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करने के लिए मत भूलना। चैनल में नए फ्रेंड्स हैं तो वीडियो को फुल वॉच करके सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।